Hey guys, my name is Tanya. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने चैनल पे कभी भी शेयर नहीं किया है. So yeah guys, it's a pleasure and I am going to share the K Beauty Matte Blush with you all. And I'm sure जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा होगा. So guys, वीडियो पूरा देखिएगा. So guys, without any further ado, let's begin. So guys, this is the outer packaging of this blush. Let's begin with the product. It is K Beauty Matte Blush enriched with avocado and mango butter. So guys, ये जो blush है इसकी MRP है 799 rupees, but मुझे ये 599 का मिला था. तो आप इसे Nykaa से purchase कर सकते हैं और Nykaa पे काफ़ी अच्छे offers चलते रहते हैं, तो आप check कर सकते हैं. जब भी आपको discounted price मिले आप इसे buy कर सकते हैं. And also मैं इस product की link को description box में mention कर दूँगी, तो आप check कर सकते हैं. तो guys, K Beauty के blush total 8 shades में available है and मैंने उसमें से एक shade purchase किया है and which is sweet salmon. तो guys, यहाँ पर इसका shade name mention है, आप देख सकते हैं यहाँ पर mention है. एंड ऑल्सो आप कोई भी ब्लश परचेज करेंगे के ब्यूटी का, तो जिस शेड का आप ब्लश परचेज करेंगे तो उसी शेड में आपको इसके बॉक्स का ये कलर मिलेगा. तो ये कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है एंड आई रियली लाइक दिस. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस प्रोडक्ट एंड आप देख सकते हैं कि इसे आप इस तरह से ओपन करेंगे. उसके अंदर ये आपको कुशन जैसा दिया है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ रहे, ब्रेक ना हो, डैमेज ना हो. सो गाइस, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है एंड दिस इज रियली क्लासी. आई रियली लाइक दिस पैकेजिंग. गाइस, ये जो अपर लिड है ये रोज गोल्ड कलर का है एंड बैक साइड में आप जिस कलर का ब्लश लोगे आपको उसी कलर का मिलेगा. एंड इसमें बैक में भी कुछ चीज़ें मेंशन है. सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 121 एंड आप इसे यूज कर सकते हैं 1223 तक. तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है. ऑल्सो इसमें बैक साइड में इसका शेड नेम मेंशन है जो कि है स्वीट सैल्मन. एंड आप देख सकते हैं इसका जो पैन है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है. ये जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीक है एंड आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं. आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पर्स में ये इजीली आ जाएगा. एंड ऑल्सो गाइस, इट्स अ ब्लश. आप इसे अपने चीक्स पे अप्लाई तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे आई शेडो की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं आईलिड पे. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस एंड यू कैन सी इट हैज़ वन मिरर इनसाइड इट एंड ये बहुत ही अच्छा मिरर है. एंड गाइस, आप इस मिरर की हेल्प से अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है इसका साइज मेकअप करने के लिए. सो गाइस, नाउ यू कैन सी कि इसमें आपको एक ये सेफ्टी लिड लगा मिलता है. सो गाइस, नाउ आई होप कि आपको शेड इसका बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा. सो गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक शेड है. एंड सो गाइस, नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्रश एंड गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लश ऑन माय चीक्स एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स. सो गाइस, आपको जो ब्रश है वो बहुत ही हल्के हाथ से इस पर टच कराना है. आपको प्रोडक्ट बहुत ही आराम से लेना है. अगर आप ऐसे ऐसे करके लेंगे तो सारा पाउडर बन जाएगा और सब निकल जाएगा. एंड गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और मेरे सिर्फ दो बार ऐसे डैप करने से इतना प्रोडक्ट आ गया है इस पर. एंड गाइस, कोई भी पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले आपको इस तरह से डैप कर लेना चाहिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई. गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. शायद आपको कैमरे में इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा बट मेरे चीक्स में ये लग गया है. आई होप कि आपको ब्लश विजिबल होगा एंड जितना ये कैमरे में विजिबल है उससे ज़्यादा ये मुझे मिरर में दिख रहा है. तो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. आप इसे बहुत ही हल्के हाथों से अपने ब्रश पे लेकर के बहुत ही लाइटली अप्लाई. अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक ब्लश है. बहुत ही बेबी काइंड ऑफ दैट बेबी पिंक शेड है. बहुत ही प्रेटी लग रहा है एंड आई रियली लाइक इट. एंड गाइस, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. तो गाइज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फेयर हैं या फेयर टू मीडियम वीटिश हैं या वीटिश हैं तो आप इस ब्लशर को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा. एंड गाइज, बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जगह ज़्यादा स्टिक हो गया हो. बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है. बहुत ही लाइट लग रहा है एंड इट्स अ रियली प्रिटी शेड. सो गाइज, इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. अगर आप एक अच्छा ब्लश ढूंढ रहे हैं तो आप इस ब्लश को ज़रूर ट्राई करिएगा. इट्स द बेस्ट ब्लश विच आई हैव एवर यूज्ड एंड इट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी. इट्स इन शेड स्वीट सैल्मन एंड इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं.
और गाइज ये कैमरे में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फोटोज आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। तो गाइज अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर और भी ज्यादा ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सामने से और भी ज्यादा विजिबल है एंड कैमरे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।